आपको बताएं, कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी के शगुफ्ता जमानी ने पीटीआई की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। 24 न्यूज से गुफ्तगू में गजाला सैफी ने कहा, लग रहा है लड़ाई से हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी मेंबर पार्लियामेंट गजाला सैफी के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अवैस बताइएगा, हुकूमती जो रुकन हैं गजाला सैफी, इनकी हाथापाई किस तरह हुई है, शुरू किया कैसे हुआ? हाथापाई सच नहीं थी, वहाँ पे ये लोग शौकत अलीम साहब के आगे खड़े होकर सब जमा हो गए थे और इन्होंने फिर कागजात फाड़ने शुरू किए उनके फेस के ऊपर। तो उनको कह रहे थे कि भाई आप उस तरफ चले जाएं, तो वो तैयार नहीं थे खड़े होने के, हाथ में बैनर्स भी नहीं हुए थे हमारी तरफ बिल्कुल शौकत अलीम के सामने। तो मैंने उनसे बैनर लिया, ना फाड़ा ना किया, एंड उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। और मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ ऐवान बाला में बैठे हैं और यहाँ पे बैठ कर हम उनकी तरफ से स्टार्ट किया गया, बिल्कुल उनकी तरफ, और उनका बनता ही नहीं है वहाँ स्पीकर की तरफ तक चले जाएं, चलो फिर भी ठीक है, इस तरफ आ जाना और इस तरफ आके मर्दों के आगे खड़े होकर उनके कागज फाड़ना, तो आप मर्द तो बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। वैस कहानी आगाह कर रहे थे।